कौन है जिसने मुझे बना दिया, कौन है, कहां है, सुभान अल्लाह। ला तराहु अल-उयून, देखना चाहूं नजर नहीं आता। ला तुखालितुहु अद-दुनून, सोचना चाहूं तो रोशनी से ज्यादा रफ्तार है ख्याल की, ख्याल की रफ्तार रोशनी से ज्यादा है। रोशनी तो पर सेकंड 186,000 माइल करती है और ख्याल पर सेकंड करोड़ों माइल कर जाता है, करोड़ों माइल। और हदीस पाक क्या कह रही है, ला तुखालितुहु अद-दुनून, ख्याल के घोड़े दौड़ाए तो ख्याल थक के गिर गया और उस तक पहुंच ना सका। ला यसफहु अल-वासिफून, तारीफ करने वाले इकट्ठे हो गए, आओ भाई अल्लाह की तारीफ करें। कैसे करें, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, कैसे करोगे या अल्लाह? कहिए अफ्रीका के साथ दो समंदर मिलने, इंडियन ओशन भी है, पैसिफिक ओशन भी है, और उसके साथ फिर बाकी सारे सात समंदरों को जोड़ के मैं स्याही बना देता हूँ। दरख्तों को काट के, तुम्हें नहीं कहूंगा कि जाओ दरख्त काट के कलम बनाओ, कब मैं खुद दरख्त काट के कलम बनाऊंगा। अफ्रीका का जंगल, सेंट्रल अफ्रीका का जंगल, जिम्बाब्वे का जंगल, जैम्बिया का जंगल, ब्राजील का जंगल, कितने जंगल अफ्रीका में है। अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, खुद कलम बना के तुम्हारे हाथों में दूंगा, फिर तुम सबको समंदर के किनारे बैठाऊंगा, फिर तुम्हारे सामने पेपर रखूंगा, तुम्हारे कलम पे इल्म को उतारूंगा, तुम्हारे दिमाग पे इल्म को उतारूंगा, तुम्हारे दिल पे इल्म को उतारूंगा। लिखना एक काम होता है, बाज़ोकात एक सतर पे एक घंटा लग जाता है। जब कभी मुझे लिखने का शौक था तो मुझे याद है एक लफ्ज पर 15-15 मिनट बैठे गुजर जाते, ऐ लिखा के ऐ लिखा, ऐ लिखा के ऐ लिखा, ठीक है। अब मेरा अल्लाह कहता नहीं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हारे सीने पर इल्म उतरेगा, तुम्हारे दिमाग पर इल्म उतरेगा, तुम्हारे कलम पर इल्म उतरेगा, तुम्हारा कलम चलेगा रोशनी की रफ्तार से, और तुम मेरी तारीफ के लिए लिखो। और समंदर की स्याही है, सातों समंदर 79%, तो अल्लाह ताला ने समंदर बना दिए, पानी पानी बना दिया है। लिखो क्या मेरी तारीफ, मेरी किबरियाई।